बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम गो टू स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, गो टू स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आपके प्रोग्राम के फ्लो को ऑल्टर कर दें, एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर कर दें, ऐसी स्टेटमेंट्स को गो टू स्टेटमेंट्स कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो पहले आपका कंट्रोल इस स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही कंट्रोल इस गो टू स्टेटमेंट पर आएगा, तो गो टू इस कंट्रोल को ऑर्डर करेगा कि अब आप चले जाओ इस स्टेटमेंट 6 पर। दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम पर गौर करें तो गो टू के बाद स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 को एग्जीक्यूट होना था, लेकिन गो टू की वजह से अब कंट्रोल डायरेक्टली जंप करेगा इस स्टेटमेंट 6 पर और स्टेटमेंट 4 और 5 को स्किप कर देगा। यानी दोस्तों, गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को ऑल्टर करके अपनी मर्जी से प्रोग्राम का फ्लो जो है वो जहां चाहता है वहां ट्रांसफर कर देता है। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऑल्टर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी डियर फ्रेंड्स, गो टू के नाम से ही इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ रही है कि ये कंपाइलर को कहता है कि जो मेरे आगे स्टेटमेंट लिखी है वहां चले जाओ। और दोस्तों, इसीलिए जैसे कि अभी हमने देखा कि गो टू की वजह से प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज हो गया और प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम का फ्लो इस तरीके से चेंज करना चाहें तो आप गो टू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी उसमें हमने गो टू के आगे स्टेटमेंट नेम लिखा था, तो ये तरीका सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जबकि गो टू के बाद हम एक लेबल नेम देते हैं और लेबल नेम के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। उसके बाद अब जिन स्टेटमेंट्स पर हमें अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को भेजना है, उन स्टेटमेंट से पहले उसी लेबल नेम को लिखेंगे जो हमने गो टू के बाद लेबल नेम दिया था। लेकिन अब लेबल नेम लिखने के बाद हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करने के बजाय कॉलन का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों, ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट 1 पर आएगा, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर जब कंट्रोल गो टू पर आएगा तो गो टू के आगे एक लेबल नेम लिखा हुआ है और लेबल नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। इस लेबल नेम को देखते ही कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि ये लेबल नेम कहाँ डिफाइन है, और जैसे ही उसको ये लेबल नेम मिलेगा तो कंट्रोल को इस लेबल नेम पर ट्रांसफर कर देगा। अब कंपाइलर स्टेटमेंट 4 और 5 के बजाय इस लेबल नेम के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, यानी 6 से लेकर 10 तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, उनको एग्जीक्यूट करेगा। और दोस्तों, ये इसका एक और पॉइंट देखिए, द गो टू स्टेटमेंट परफॉर्म्स एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द लेबल नेम। तो डियर फ्रेंड्स, यहां अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इफ एल्स की मदद से भी हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर सकते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करवा सकते हैं और कुछ को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन हमें तमाम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में कंडीशन को यूज करना होता है। हम कंडीशन पर डिपेंडेंट होते हैं और कंडीशन के बिहाफ पर ही काम करते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर कंपाइलर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन के फॉल्स हो जाने पर किसी और स्टेटमेंट्स को। लेकिन दोस्तों, यहाँ गो टू स्टेटमेंट में भी तो यही काम हो रहा है कि गो टू की वजह से प्रोग्राम का फ्लो भी चेंज हो रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं और कुछ स्टेटमेंट्स स्किप हो रही हैं। लेकिन यहाँ आप गौर करें तो हमने कोई कंडीशन यूज नहीं की है, बल्कि बिना किसी कंडीशन के ही प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए वी कैन से कि जो गो टू स्टेटमेंट है, ये एक अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करती है, इसमें कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। अब दोस्तों, आइए एक प्रोग्राम के जरिए इसको मजीद डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि आपके यूजर की तरफ से इनपुट करदा नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, एंटर एनी नंबर। स्कैनर के थ्रू यूजर इनपुट देगा और इनपुट करदा वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल ए में। अब यहाँ पर हमने लिखा है b equals to square root of a।
यानी a वेरिएबल में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाले और यहाँ से जो भी इसको रिजल्ट मिले वो स्टोर करवा दे b वेरिएबल में, और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है b को। अब डियर फ्रेंड्स जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पहले इसकी आउटपुट विंडो को ऑफ कर देते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा एंटर रन होगा, यानी आप यहाँ पर स्टेटमेंट चली एंटर एनी नंबर, आपने नंबर प्रेस किया 4, 4 प्रेस करते ही इसने आपको बता दिया कि इसका स्क्वायर रूट है 2। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम बार बार रिपीट हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल गो टू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा गो टू, और आपको क्योंकि अपने प्रोग्राम को बार बार रिपीट करवाना है तो आपने यहाँ पर लेबल नेम दे दिया रिपीट। और याद रखिए लेबल नेम के आगे गो टू स्टेटमेंट में हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये यह प्रोग्राम यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही गो टू पर आएगा तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने रिपीट जो है वो कहाँ, अपने कंट्रोल को कहाँ लेकर जाना है, यानी ये रिपीट का लेबल जो है कहीं और डिफाइन होना चाहिए जहां पर आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को दोबारा से यहाँ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जब ये गो टू स्टेटमेंट इनकाउंटर हो तो यहाँ पर हमने लेबल नेम वही लिख दिया जो गो टू के आगे लिखा है, लेबल नेम हमने रिपीट लिखा, उसके आगे हमने कोलन लगा दिया। अब डियर फ्रेंड्स आप इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पर इस प्रोग्राम ने पूछा एंटर एनी नंबर, आपने नंबर एंटर किया है 4, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया है इसका स्क्वायर रूट 2। लेकिन अब प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है बल्कि इसने दोबारा से आपसे पूछा है एंटर एनी नंबर, यानी डियर फ्रेंड्स जैसे ही आपके प्रोग्राम का यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट शो हुआ, अब ये गो टू स्टेटमेंट आ गई, गो टू स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल इस रिपीट के लेबल पर ट्रांसफर हो गया, और रिपीट का लेबल यहाँ पर मौजूद है। और आप जानते हैं कि गो टू क्या करता है दोस्तों, गो टू ये करता है कि जो भी आपके प्रोग्राम का कंट्रोल होता है उसको उस जगह पर ट्रांसफर कर देता है जहां पर ये लेबल मौजूद होता है, और उसके बाद इस गो टू के बाद जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको तो स्किप कर देता है, जैसे गेट सी एच ई यहाँ पर स्किप हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इस लेबल के बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी अब वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इस तरह से दोस्तों गो टू काम करता है। दोस्तों यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि गो टू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर 8 फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।